हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप अपनी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेट डिजाइन कैसे बनाए वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो देखिए, हमने ब्लाउज और लाइनिंग दोनों कट कर लिया। ये हमारा ब्लाउज है, देखिए ब्लाउज में नीचे हमारा बॉर्डर आया हुआ है इस तरह से। और मैं आपको ब्लाउज का साइज बताती हूँ। देखिए ब्लाउज की जो लंबाई ली हमें 15.5 इंच ली, लेकिन हमें ये 14.5 इंच तैयार में चाहिए। 1/2 इंच हमारा नीचे जाएगा फिनिशिंग में और 1/2 इंच हमारा ऊपर शोल्डर ज्वाइंट करने में जाएगा। और देखिए ये हम 38 साइज का बना रहे हैं, तो डबल फोल्डर में 9.5 इंच ले लिया, 2 इंच हमारा मार्जिन है इसमें। शोल्डर हमारे 6 इंच है, आर्म होल हमारे 6 इंच है और हमारी 1.5 इंच की गुलाई है। देखिए इस तरह से हमने ये ब्लाउज कट किया है। देखिए हमें करना क्या है, ब्लाउज को हम साइड में रखेंगे और लाइनिंग पे हम ड्रॉ करेंगे डिजाइन को। देखिए शोल्डर से इस तरह से 2.5 इंच और देखिए इसकी जो लंबाई लेंगे हम वो हम 3.5 इंच लेंगे। देखिए इस तरह से इसमें गुलाई देंगे। इस तरह से और यहाँ पे हम 1/2 इंच का गैप रखेंगे बस। और देखिए यहां से 6 इंच पे, देखिए मैं 6 इंच है तो हम 3 इंच पे निशान लगा लेते हैं। और देखिए यहां से 3 इंच इस तरह से। और देखिए यहां पे हम इस तरह से क्रॉस में लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए इस तरह से अब हमें करना क्या है, ये हमें कट करना है। देखिए इस तरह से हमने ये कट कर लिया। अब सेम ड्राफ्ट रखते हैं, कैनवास पे भी कट करेंगे और लाइनिंग पे भी कट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया। जो हमने पट्टी ली है इसकी हमने चौड़ाई 1.5 इंच ली है और कैनवास की हमने 1 इंच ली है। इसे हम इस तरह से रखेंगे और जो हमारे इसमें एक्स्ट्रा लिया है 1/2 इंच, इसे इस तरह से फोल्ड करके पूरे में सिलाई करेंगे हम। देखिए इस तरह से हमने तैयार कर लिए। ना क्या है, ब्लाउज को नीचे इस तरह से सीधा रखेंगे और इसके ऊपर हम लाइनिंग रखेंगे, देखिए इस तरह से, और नीचे हम सिलाई करेंगे स्ट्रेट। देखिए हमने सिलाई कर दिए, अब इसे पलटेंगे इस तरह से हम। देखिए इस तरह से यहाँ पे भी सिलाई करेंगे हम। देखिए हमें नीचे फिनिशिंग दे दी है, देखिए हमारी कितने अच्छे से फिनिशिंग आई है इस तरह से। अब देखिए इसे हम इस तरह से सेट कर लेंगे इस तरह से पूरा। अब पेन से सेट करेंगे पूरा अच्छे से हम इसे। देखिए इस तरह से पूरा पेन सेट कर लिया। अब इसके ऊपर हम इस तरह से लेंगे पट्टी रखेंगे बीच वाली और यहाँ पे हम पूरे में सिलाई करेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई कर दी, अभी भीतर हम कट करेंगे।
देखिए इस तरह से अभी हम अंदर फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पे भी सिलाई करेंगे हम। देखिए इस तरह से अब नेक पे फिनिशिंग देंगे हम। देखिए मैं नेक पे फिनिशिंग दे दी है, बीच में मैं देखिए फिनिशिंग दे दी है, एक प्यार से देखिए डिजाइन बनाया हमने बीच में और नीचे फिनिशिंग दी, और देखिए हमारा बॉर्डर भी आया प्लस इसमें हमारा प्लेट भी डाल दी है 3.5 इंच की हमने। तो इस तरह से ये सिंपल सा डिजाइन बना सकते हैं बहुत ईजी तरीके से बोट नेक में। एक बार जरूर ट्राई कीजिए। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।